2500 रुपए की कीमत रखने वाला कौन सा है वो 25 पैसे का सिक्का, जिसे करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिक्के के डिजाइन को बहुत ही बारीकी से समझना होता है। और साथ ही साथ लेटेस्ट में जारी किया गया कौन सा है ऐसा स्मारक सिक्का जिसमें नजर आई है एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक, जिसे बहुत सारे कलेक्टर्स ने अभी तक नोटिस भी नहीं किया है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ही स्पेशल सिक्कों को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, जिन स्पेशल सिक्कों के बारे में आज हम आप सभी के साथ बात करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेरीज हमसे पूछी आप में से ही दो व्यूअर्स ने, जिनके नाम हैं प्रवीण कुमार सिंह जी और विवेक भूषण ने। मुझे इनकी क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा इन्हें Q&A में ना कवर करके इन्हें डिटेल में कवर किया जाए। तो क्या है इनकी ये क्वेरीज और कौन से हैं ये स्पेशल सिक्के, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों की कंप्लीट डिटेल्स पे। स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं ईयर 1982 में नवम एशियाई खेलों के मौके पे जारी किए गए 25 पैसे के स्मारक सिक्के को। इस सिक्के के डिजाइन, इसकी हिस्ट्री और ये सिक्का क्यों जारी किया गया, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसे हम ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। एशियन गेम्स थीम के ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकटा और हैदराबाद मिंट से। स्क्रीन पे दिखाए सिक्के में आप ईयर के सेंटर में देख सकते हैं डायमंड मिंट मार्क, जो ये बताता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ऐसे ही कैलकटा मिंट से जारी नो मिंट मार्क वाले एशियन गेम्स के सिक्के को भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिन व्यूअर्स को इन सिक्कों की रेयरिटी की नॉलेज नहीं है, उन्हें बता दूं कि बॉम्बे और कैलकटा मिंट से जारी किए गए ये दोनों सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अब इन्हीं सिक्कों में नजर आता है रेयर कैटेगरी का एक कीमती सिक्का, जो कि है हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 25 पैसे का सिक्का, जिसमें आपको नजर आता है स्टार शेप मिंट मार्क। शायद नॉर्मली देखने पर आप सभी भी इसे स्टार शेप्ड हैदराबाद मिंट का सिक्का समझ बैठे होंगे, लेकिन ये 25 पैसे का सिक्का हैदराबाद मिंट का वो रेयर सिक्का नहीं है। और यही कंफ्यूजन अक्सर बहुत से कलेक्टर्स को भी होती है जब उनके पास एशियन गेम्स थीम के ऐसे मिंट वैरायटी वाले सिक्के आते हैं और वो उसे हैदराबाद मिंट का कीमती सिक्का समझ बैठते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे व्यूअर प्रवीण कुमार सिंह ने क्वेरी की थी कि उनके पास भी एक ऐसे ही मिंट मार्क वाला 25 पैसे का एशियन गेम्स थीम का सिक्का है, जिसके बारे में वो जानकारी चाहते हैं। तो आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रवीण जी के सिक्के को भी, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम टाइप का मिंट मार्क देखने को मिल रहा है। तो यहां मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही सिक्के बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं, ना कि हैदराबाद मिंट। इसी कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। 25 पैसे एशियन गेम्स थीम के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्कों में हमें दो मिंट वैरायटीज देखने को मिलती हैं। एक तो है बॉम्बे मिंट का ये सिक्का, जिसमें क्लियरली डायमंड शेप का मिंट मार्क नजर आता है, और दूसरा है ये सिक्का, जिसमें आपको 3 पॉइंटेड या 3 एंगल मिंट मार्क देखने को मिलता है, जो दूर से हैदराबाद मिंट को रिजेंबल करता है। लेकिन ऐसे सिक्के बॉम्बे मिंट के ही सिक्के हैं, बट ये केवल डिफरेंट प्रकार की मिंट वैरायटी है जो बॉम्बे मिंट के सिक्कों में देखने को मिलती है। हैदराबाद मिंट का रेयर सिक्का कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप मिंट मार्क को इस सिक्के में जूम करके देखते हैं तो आपको क्लियरली नजर आता है 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप क्लियरली इस मिंट मार्क को 3 पॉइंटेड स्टार मिंट मार्क से कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंस समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि 3 पॉइंटेड स्टार अगर आपको नजर आता है तो वो हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं है, यानी प्रवीण जी आपका ये 25 पैसे का सिक्का बॉम्बे मिंट का एक कॉमन सिक्का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मारक सिक्के में एक ऐसी गलती की जिसपे शायद अभी तक चर्चा नहीं की गई है। हमने अपने एक पुराने वीडियो में आपको सिक्कों में नजर आने वाले रूपी सिंबल की इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझाया था,
और बताया था कि रुपी सिंबल को 2010 में एज नेशनल रुपी सिंबल अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद ईयर 2011 से जितने भी स्मारक सिक्के या फिर डेफिनेटिव कॉइन्स आज तक जारी किए गए हैं उन सभी में हमें रुपी सिंबल देखने को मिलता ही है। लेकिन 2020 में इंडियन गवर्नमेंट मिंट ने जारी किया एक ऐसा सिक्का जिसमें रुपी सिंबल कम्प्लीटली मिसिंग है, और वो सिक्का है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी पे जारी किया गया ये 75 रुपी का स्मारक सिक्का। इस सिक्के के दोनों साइड रुपी सिंबल कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, एंड एज पर माई नॉलेज ये इकलौता ऐसा सिक्का है 2011 के बाद जिसमें रुपी सिंबल मिसिंग है। इसी विषय पे विवेक भूषण ने क्वेरी करके पूछा था कि 75 रुपी कॉइन FAO और 100 रुपी कॉइन जमशेदजी टाटा में रुपी सिंबल देखने को नहीं मिलता है, तो ये कोई डिजाइन एरर हुआ? तो विवेक जी, 75 रुपी कॉइन FAO में तो रुपी सिंबल जरूर मिसिंग है, लेकिन 100 रुपी कॉइन जमशेदजी टाटा में ऐसा नहीं है, वहां आपको रुपी सिंबल देखने को मिलता है। तो केवल 75 रुपी कॉइन का ये इकलौता सिक्का ही विदाउट रुपी सिंबल का सिक्का है आफ्टर 2011। जी हाँ, मेरे हिसाब से ये एक मेजर डिजाइन एरर है, क्योंकि करेंसी में अगर करेंसी सिंबल ही नहीं होगा तो ये एक मेजर फ्लॉ माना जाना चाहिए मिंट अथॉरिटीज द्वारा, जो शायद गवर्नमेंट के नोटिस में भी जरूर आना चाहिए। विवेक जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इस मिस्टेक को सिक्कों में नोटिस किया। तो व्यूअर्स, आई होप अब आप सभी का ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि 25 पैसे के एशियन गेम्स थीम वाले कौन से हैं वो रेयर हैदराबाद मिंट के सिक्के। आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप सभी को भी FAO थीम के 75 रुपी कॉइन में रुपी सिंबल का मिसिंग होना एक मेजर मिस्टेक लगता है तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन कॉइन से रिलेटेड ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां डिस्कस करते हैं सिक्कों के करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में, और यहां हम बात करेंगे हैदराबाद मिंट से जारी किए गए रेयर 25 पैसे एशियन गेम्स कॉइन की, जिसमें नजर आता है 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क। ये सिक्का फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको मिलेगा लगभग 700 से 1500 रुपए के बीच, और यूएनसी कंडीशन में सच में सिक्के की वैल्यू 2500 रुपए तक जा सकती है। और मुंबई मिंट से जारी किया गया FAO थीम का जो 75 रुपी कॉइन है ये अभी भी SPMCIL वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। इसमें प्रूफ सेट का प्राइस है 3635 रुपए, और जो यूएनसी सेट है उसका प्राइस है 3120 रुपीज। तो ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसी रही आप सभी की लर्निंग इस वीडियो से, जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।